परसों रात्रि को हम वृंदावन में रात्रि के टाइम 10 बज रहे हमने देखा परिक्रमा मार्ग में संत बैठे थे। रात्रि के 10 बजे वो परिक्रमा मार्ग में संत बिस्तर बिछाते हैं, वहीं लेटते हैं, सोते हैं। एक संत को हमने देखा रात्रि के 10 बजे, वो संत रात्रि के 10 बजे बैठकर आंखें बंद थी और चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि शायद ये बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम बिहारी जी का दर्शन करने मंदिर जाएं। अरे प्यार का भी तो कोई तार होता है, प्रेम का भी तो कोई तार है ना, वो संबंध है ईश्वर से। आप अमेरिका में बैठ के बिहारी जी के चरणों से जुड़ सकते हैं। वृंदावन का वो वृंदावन के जब आंखें बंद करके ध्यान मग्न थे, हम समझ गए कि इनका तार बिहारी जी से जुड़ चुका है। और इतनी सुंदर मुस्कान थी मुख पर, और वो वही संत हैं जो सुबह भोजन ग्रहण लाइन में खड़े होकर, अन्य क्षेत्र यहाँ चलता है ना, उस अन्य क्षेत्र में वो सारे संत आते हैं, सुबह भोजन लेते हैं और दिन भर के लिए फ्री हो जाते हैं। कुछ संत ऐसे हैं जो रात्रि का भी दे दो, चलो प्रेम से वो भजन करते हैं। 24 घंटे में 2400 घंटे बिहारी जी का चिंतन। अब बताइए बिहारी जी का चिंतन, यदि मैं बिहारी करते 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 सो जाऊं, यदि सो गया और मुझे 5 घंटे की नींद आ गई, तो वो 5 घंटे भी मेरी भक्ति में जुड़ेंगे कि नहीं? क्यों जुड़ेंगे? बिहारी जी का चिंतन करते करते सोया था, वो 5 घंटे मेरी भक्ति में जोड़ा जाएगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप सोते हैं, सोकर के समय वेस्ट ना करें। मैं इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप सोए ही ना, ना ना होनी चाहिए नींद, तो 7 घंटे व्यक्ति को 6, 7 और 8 घंटे सोना चाहिए। ठीक है, सोइए, पर सोने का भी एक तरीका है भगवान का चिंतन। जब बिस्तर पे जाओ तो भाव यही हो कि हम बिहारी जी की गोद में अपना, हम तकिया रखते हैं ना, तकिया को बिहारी जी की गोद मान लीजिए, मान लीजिए। यदि हम पत्थर में भगवान का दर्शन कर सकते हैं, तो तकिया में की गोद का क्यों नहीं आभास कर सकते? जब आप सोने जाइए तो जिस तकिया में आप सिर रखते हैं, उस तकिया को भाव से ये मान लीजिए कि बिहारी जी की गोद है। और हम किसकी गोद में सिर रख के सो रहे हैं? बिहारी जी की। हो गई भक्ति, आपको भक्ति करने माला लेकर गांव में नहीं जाना, आपको सदा ये भाव बनाना है कि हम बिहारी जी के आसपास, बिहारी जी हमारे आसपास।